फेल मारी राज्य सरकार वसुधा योजना पानी मुंदाए पई हंतसंत नया नीलकंठपुर ग्रामवासी सौरचालित पंप अचल थिबा बेले करा जाउनी मरामती। ढेंकानाल जिला भुवन ब्लॉक अंतर्गत नया नीलकंठपुर ग्राम पात्र साहिरे देखा देछि पानी जल समस्या। 20 परिवार बास करथुबा ई साहिरे अचल होई पड़िछि दुईटी नलकूप एवं गोटे सौरचालित पंप। दीर्घ वर्ष हेबो एभले अचलावस्था लागि रहिथिबा बेले हेउनी मरामती फलरे पानी टोपाए पई स्थानीय लोके 2 किलोमीटर दूरे थिबा झरणा परे निर्भर करथुबा देखिबा को मिलिछि। तेबे आगो को ग्रीष्म ऋतु आरंभ होबा को थिबा बेले झरणा सुखिबा को बसलानी जहाँ को नहीं चिंता रे नया नीलकंठपुर ग्रामवासी। सोलार पवन बात्या जो बात्या पवन आमर है बात्या पवन उड़े नहीं सोलार पवन सह जो सोलार पैनेल सह उड़े नहीं पड़े टी वोल्टेज तथा टी वोल्टेज हेले टी वोल्टेज तथा पा बाहर एवं लोक जाए 2 किलोमीटर रू पा जा चुआ पा खाऊ सरकार देते योजना पा योजना के योजना देखते लोक आम घर घर पा योजना देखते तथा घर घर पा योजना बस्ती में पा अच्छी पानी तो सब बड़े ट्यूबवेल मागिला देले ना सोलार भांगिगला तीन थर फोन फान कलु कहले ना कि आसिले ना आटा उड़े नाला पवन को आम बणुआ हाटी नहीं रखीदे गोटे कि 2 किलोमीटर आसुच झरणा को पा नापी झरणा पा भी मला केमी चलू आम वर्ष सारा सरपंच कतिक जाइलु ब्लक को जाइलु से मैंने कहले जिमु सजा आसुना तेबे ग्रामवासी पक्षर स्थानीय सरपंच आरंभ कर जिला प्रशासन निकटे बारंबार मरामती अनुरोध करा एपर्त मरामती नहीं कौन पदक्षेप निया ग्रामवासी माने अभियोग करछन्ते। अन्यपटे पानी जल समस्या नहीं आम स्थानीय सरपंच जोगाजोग करथिलु एनी वीडियो सहित कथा होता बेले खूब शीघ्र नलकूप गुड़िक मरामती हो बोली से प्रतिश्रुति देछन्ते। पानी तो बंद होनी शुणु झरणा पा वर्षा बंद होनी कि आम मान कि गोटे सप्ताह भितर ही सटाउट कर प्रोब्लेम कारण जेहतु से मैंने मुझे जान पारे से प्रोब्लम कौन कि कौन कि भुवनेश्वर कंट्राक्टर जो कम करम कर बहुत थर कह सी कह नुआ पैनेल आसे आम कम कर अपेक्षा कल तो प्रोब्लेम अच्छे आम लगे कि अगे तो गोटे आउ गए मटर फिटिंग कर दूर इलेक्ट्रिक मटर आकर बस्ती भितर आमको ही फ्यूएल ना गोटे बोरवेल करा प्लस जो गाँव रो बोरवेल चली पाइप वाटर सप्लाई जाए मुझे आक्शन प्लां देखिए पाइप लाइन गाँव बस्ती पानी न तेज प्रशासन निद के भांगुची और नया नीलकंठपुर ग्रामवासी जल कष्ट के दूर हो देखा बाकी रहा। ढेंकानाल पर्जंग सूर्यकांत बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।